शेखावाटी की हवेलियां जिनमें भित्तिचित्र लगे होते हैं और जो पुरातात्विक महत्व की हैं, उन्हें तोड़े नहीं जाने के लिए कलेक्टर्स को सरकार निर्देशित करेगी। और विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक दर्शन सिंह के मूल सवाल और अन्य पूरक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने यह बात कही है। राठौड़ ने यह भी आश्वासन दिया कि अगर आभानेरी में बस सेवा संचालन की जरूरत हुई तो विभागीय प्रक्रिया करके इस काम को निपटाया जाएगा। और निर्दलीय विधायक नंद किशोर मेहरिया ने शेखावाटी इलाके में हेरिटेज हवेलियों को तोड़कर बाजार बनाने की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राठौड़ ने पर्यटन के लिए 22.37% जो बजट बढ़ोतरी की बात कही है, साथ ही ये भी कहा कि जयपुर जोधपुर बीकानेर में हवाई सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। सवाई माधोपुर जैसलमेर को हवाई सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जयपुर आगरा और बीकानेर को हवाई सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र में हेरिटेज महत्व की सीकर दुनू चूरू में खास तौर से फतेहपुर रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ वगैरह में बहुत शानदार हेरिटेज महत्व की हवेलियां हैं। आजकल उनको तोड़ के लगातार लोग मार्केट बना रहे हैं या अन्य किसी काम में ले रहे हैं। पिछले 2-3 साल पहले एक सर्कुलर भी निकला था कि भाई इन हवेलियों को तोड़ा नहीं जाए और इनकी रजिस्ट्री नहीं की जाए। कलेक्टर्स को एक सर्कुलर सरकार ने डाला था, ऐसा जवाब आया है, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। आज भी उन हवेलियों की जो जगह है या जो हवेलियां हैं उनकी लगातार दूसरों के नाम रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, वो लगातार टूट रही हैं। और इसी वजह से हमारे यहाँ जो विदेशी पर्यटक शेखावाटी क्षेत्र में आते थे उनमें बहुत कमी आई है। रणथंभौर, सवाई माधोपुर और सरिस्का को आप निजीकरण पर देना चाह रहे हैं, तो इसका आप मुझे जवाब दें। तो मंत्री जी के पास कोई इस बात का जवाब नहीं था कि हम इसका निजीकरण नहीं कर रहे हैं। बार बार पूछने के बाद हेरिटेज के नाम पर विदेशी पर्यटकों के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट 0/0 निकलता है। तो सरकार इस विषय में पूरी तरह विफल है। सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जो पर्यटकों के लिए राजस्थान में बढ़ावा देने का विचार रखती है।